तो गाइस मैं जा रहा हूँ घर पे और मेहू को मेरे साथ आना है। वॉच वॉच दे दे, वो स्लीपर सोच के स्लीपर ले ले मेहू के। बेटा मैं वापिस आऊंगा घर जाके, सामान रख के आ रहा हूँ। चलेगा आप फिर शेयर करेंगे। तनु मेरे साथ नहीं है, वो अपने मम्मी के घर पे। मैं बहुत खुश नहीं हूँ तनु, मैं बहुत दुखी हूँ तनु, मैं बहुत दुखी हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है इंग्लिश के ब्लॉग पे। जय श्री राम सभी को, जय श्री श्याम। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने घर कैलाश नगर। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। तो तनु भी रेडी हो गई है क्योंकि एक पोशाक आया था देश बाबा वालों का, जो पोशाक प्रमोशन करना बाकी था। और मैं भी गाँव जा रहा हूँ तो स्टॉक में वीडियोज़ बना के जाऊँ। 4-5 दिन तनु के पास नहीं रहूँगा तो वीडियोज़ अपलोड करने के लिए चाहिए होंगे हमें। तो मैं वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो भी बना के हम लोग जाने वाले, मतलब मैं जाऊँगा गाँव और तनु यहीं इसके मम्मी घर पर रही। तो बस तनु रेडी हो रही है पोशाक पहन के और हम रील वगैरह शूट करेंगे। उन्होंने पोशाक पहन ली है गाइस, तो अभी हम वीडियो बनाएंगे। देखो देखो पीछे, चलो गाइस मेरे बैग पैक हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ कैलाश नगर। मुझे भी जानी है। कहाँ पे बेटा? कैलाश नगर। वो बाद में बन जाएंगे। नहीं जाना है। नानी के घर रहो ना, मम्मी को रहना है नानी के घर पे। कैलाश नगर नहीं जाना है आपको? नहीं जाना। आप अपने नानी के घर रहो, मैं अपनी मम्मी के घर जाता हूँ, ठीक है? लव यू। सुनो मेरी बात। आपको है ना धूप में बाहर नहीं भागना है, चप्पल पहन के घूमना है और ध्यान रखना बाहर गाड़ी चलती है, ठीक है? जी, आपके साथ घूमने चलना है। साधु भी आपके पास मैं आऊं तो वहां जाके क्या करेगा बता मुझे? तू भी चल फिर क्लास तक। अच्छा, चप्पल चप्पल ले, पर हाथ पकड़ जा। चप्पल मेरे पकड़ ले हाथ में। हां जी, मैं ही पकड़ू तुम्हारा चार्ज और सब। दो सब मेरे हाथ में पूरा बैग, एक ऐसे व्लॉग कर रहा हूं। चलो मैं हूं, पापा को छोड़ के आता हूं, है ना? दे दो पापा को, गाड़ी तक छोड़ के जाते हैं अपन, है ना? तो मैं जा रहा हूं कैलाश नगर और मैं हूं और तनु यहीं रहेंगे नानी के घर। और मैं को मेरे साथ में आना तो रो रही है, कर रही है हमें वो घड़ी अपनी थार। तो गाइस मैं जा रहा हूँ घर पे और मेहू को मेरे साथ आना। वॉच वॉच दे दे, वो स्लीपर सोच के स्लीपर ले ले मेहू के। बेटा मैं वापस आऊँगा घर जाके, सामान रख के आ रहा हूँ। ये बोतल वगैरह, पानी की बोतल वगैरह रख के आ रहा हूँ घर पे, पड़ी है ना अपने सागर पैसा को, बड़े पापा को चाहिए तो वो दे के आ रहा हूँ मैं। जा, मम्मा नहीं आ रहे। मैं नहीं आ रहा, ठीक है? चलेगा? मैं नहीं आ रहा, चलेगा? जाना है अकेले, जाना है पक्का जाना है अकेले। बाय। पक्का जाना है? आप सुनो, आप है ना, आप विशाल मामू के साथ, मम्मी और विशाल मामू के साथ आप तीनों जने आ जाना स्कूटी पे, ठीक है? मैं तब तक जाके आता हूँ। आप मम्मी के साथ, विशाल मामू के साथ आ जाना, विशाल मामू, नानी और आप, ठीक है? और मम्मा, ठीक है? ओके बेटा, ओके, लव यू। मम्मा की सुन लो ना थोड़ा, ठीक है? पैर जल रहे हैं। चलो मम्मा के जल रहे हैं, आप जाओ, है ना? आप विशाल मामू के साथ आ जाना, ठीक है? ले दे रोनी, सुना जा अब मम्मा की इच्छा, बच्चे मानो बात मेरी। चलो चलो, गुड गर्ल गुड गर्ल। नहीं नहीं, मेरे पैर जल रहे यार, मैं कपड़े लेके आ जाऊंगा सच में। वहां रखेगा कौन? पापा तो बाहर जाएंगे बेटा यार, उनके दोस्तों के साथ तो तन भी मेहनत। चलो मैं बड़े बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आप विशाल विशाल मामू के साथ आ जाना, सागर भाई सब आ जाना लेने। मैं गाड़ी वहाँ रोक रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी रख रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ रोक रहा हूँ। मैं ज्यादा रो रही थी तो मैंने गाड़ी वापस पार्क कर ली, उसको उल्लू बना के जाना पड़ेगा। चलो अपने अंदर बैठते हैं, नहीं जा रहा मैं भी, इधर ही हूँ, गोदी में ले लो। चलो नहीं जा रहे, मैं नहीं जा रहा हूँ, आ जाओ विशाल मामू, विशाल फोन कर लेंगे थोड़ी बड़े। अब मेरे को फ्रेंड्स कहाँ हैं? पास में नहीं है? मैं नहीं जा रहा बेटा, मैं तो वापस घर पे आ गया, वो सामान रखने गया था मैं तो सिर्फ। नहीं जाऊँगा मैं, अपन साथ में जाएंगे बैंगलोर, ठीक है? आपको जयपुर जाना है तो हाल मम्मी के बैग पैक कर, हाल मम्मी सागर पैसे के पास जाना। चलो मम्मा को बोला बैग पैक करो कि सागर पैसे के पास जा रहे हैं। चलो चलो, अभी निकल रहा हूँ मैं, रो रही थी तो नानी साहब उसको लेके चले गए कुत्तों के बच्चों के पास, उसको
थोड़ा ऐसे ही करने के लिए कि मैं चला जाऊँ, तो भी मैं निकल रहा हूँ। चलिए फिर जी, तो मैं निकल चुका हूँ और अभी करीबन पहुँचे, मुझे 1.5 घंटा लगेगा गांव, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से तनु के घर से 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आराम से जाएंगे, ज़्यादा फटाफट नहीं जाएंगे, फटाफट जाना मतलब जल्दी काम शैतान का, तो आराम से जाएंगे क्योंकि अभी शादी की सीज़न चल रही है और लोग पागलों की तरह गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो आराम से जाएंगे, वो जल्दी नहीं है अपन को। और ब्लॉग भी अभी गाड़ी चला रहे हैं, मैं ब्लॉग भी नहीं करेंगे, तो बाद में ब्लॉग करते हैं जी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव कैलाश नगर और मैं हूं, मुझे याद कर करके रो रही है। मैंने फ़ोन करा था अभी, तो क्यों गए, मुझे भी लेके जाना था बट वो अकेली तनु को मारा ना, इसलिए उसको वहीं छोड़ के आया। तो चलो अभी घर पे चलते हैं और देखते कौन कौन है घर पे। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे स्वीट होम कैलाश नगर में और ये टीटा फोर्ट सब रेडी बैठी थी और सागर कुमार सागर जी। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। इस जो मिरर को इग्नोर करना, भाभी साहब बिल्कुल ठीक क्लीन नहीं करा इन्होंने, ये मिरर को गंदा कर रखा है तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ शादी में। हमारे दूर के बुआ है, दूर के बुआ, उनकी बेटी की शादी है, तो उसकी हम लोग जा रहे हैं। मतलब हमारे नरेश भाई साहब है जिनकी मैं बात कर रहा था, बहुत पुराने मित्र और मेरे भाई साहब है, बड़े भाई साहब है, और वो चड्डी बुड्डी फ्रेंड आ रहा है मेरा प्रवीण बार साहब, वो देख रहा होगा आपको। हम तीजा और ये हाँ अखंड बैचलर और ये मेरा चड्डी बड्डी फ्रेंड प्रवीण बारसा डूबे मरे वो पूरी सीट में तो मेरा ही था, नहीं दोगलो कौन तक बैठो था प्रमाण पूरी सीट में तो मेरा ही है नेक्सन में, तो कोई नहीं देखो देखो भरत भरत मिला हो रहा है यहाँ पे गाइस। और हेलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, बुआ के वहाँ पे कहते शादी में, अभी जा रहे हैं हम प्रवीण बारसा जो मेरे दोस्त हैं उसके वहाँ पे शादी है, तो उनके वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ से मिलेंगे और फिर वहाँ से आ सकेंगे बैठ के उसे मिलके। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। गाइस गाड़ी को कर दिया अपना पार्क और अभी हम पहुँच चुके हैं प्रवीण के घर पर और ये है प्रवीण का घर। ये तैयारी करते हुए देखो, ये मेरी प्लेट है पूरी डाइट वाली, वो अपने नरेश भाई की डाइट है। रोल नहीं आता, रोल मणि के रोल रोल गमन भाई डाइट अच्छी चीज ले रहा है वो भाई, अपने हैं जो मिठाई खा रहे हैं पूरी रहन भाई। मेरे प्रवीण चट्टी बड़ी दोस्त को मैं गाड़ी सिखा रहा हूं, तू गाड़ी चलानी नहीं आती है पापा देखी देख बाटा पड़ी होती देख आराम दी हम बेटा उधर वो नहीं आता लिटिल लिटिल ले फर्स्ट गियर में ले चले प्रवीण देवा दे कहीं प्रवीण धीरे धीरे फर्स्ट ने ब्रेक मार दिया अंदर फर्स्ट गियर क्लच ने ब्रेक आज इंदर ज्यादा मत लीजिए खादर है राजे बाहर से हाँ सीधे कि डोगी था बाबा हमारी मैंने गड़े लेन किया था अरे मेरा कुमार कर ले हाँ साइड में रख। चेंज करते हुए गाड़ी सीख ली प्रवीण ने और अभी मेन ड्राइवर आगे बैठेंगे जो कि गाड़ी अंदर लेके जाएंगे पार्किंग के साइड में। देखो गर्मियों में बुदलिया टोर्नेडो। हेलो गाइस, तो हम दोस्त के साथ बाइक पे राइड करते हुए, कार में तो हम घूमते रहते हैं बट जो बाइक में घूमने का जो मज़ा है दोस्तों के साथ में थ्री इडियट्स वो वाला सीन मज़ा आ रहा है। उसमें आवाज़ चल रही ठंडी थी, दिन में तो बाइक काम कर रही है बहुत धूम रहती है बट शाम को मतलब बहुत मस्त आवाज़ चल रही है और हमारा सीन शाम चट्टी बुट्टी फ्रेंड हमारे रेल भाई साहब हमारे सीनियर हैं हेलो जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक पे और अभी बजे सुबह के 5:30 क्योंकि यहाँ पे जिम है नहीं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक बेस्ट है। 10,000 कदम चलने के लिए बोला था सर ने, नरेंद्र सर ने, तो 10,000 कदम तो नहीं चल पा रहे बट 7-8,000 तो हो ही जा रहे हैं। सुबह सुबह वॉक कर लेता हूँ, दूर जाता हूँ 5,000 कदम हो जाते हैं और पूरे दिन में थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार कदम चल लेते हैं। तो बस फिटनेस पे ध्यान है कि भाई जो 7-8 किलो वज़न कम करा है वो वापस बढ़े ना गाँव आने के बाद। और उदयपुर जाऊँगा तो भी खाने का बहुत ध्यान रखेंगे, जो चीज़ अच्छी होगी अच्छा फैट होगा वही खाएँगे,
बाकी फालतू चीजें नहीं आएंगे, तो जल्दी से वॉक करके आते हैं। और मेरे साथ में नरेश भाई साहब है हमारे, तो हम दोनों साथ में वॉक करने के लिए जा रहे हैं। जो सर जो प्रवीण है, हम कैलाश नगर से, वो मेरे पास गांव है झालोड़ी, वहाँ से है, छोटे गांव कस्बे से, हम क्या सिटी से